नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने जाना गेहूं में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में तथा उन प्रमुख कीटों में से गुजिया विविल तथा वीट एफिड के बारे में आपने पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक जाना। तो अब हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाइंबिंग कटवार्म के बारे में या आर्मी वार्म के बारे में तथा दीमक मतलब टर्माइट्स के बारे में, किस प्रकार ये गेहूँ में आक्रमण करती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो जो भी क्लाइंबिंग कटवार्म या आर्मी वार्म, उसका साइंटिफिक नेम मिथिमना सेपराटा है और उसकी फैमिली नॉक्ट्यूडी और उसकी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। और तथा टर्माइट्स, दो तरह की टर्माइट्स लगती है, ओडोनोटर्मस ओबेसस तथा माइक्रोटर्मस ओबेसी, जिसकी फैमिली टर्मिटिडी और ऑर्डर आइसोप्टेरा है। तो आइए सबसे पहले जाने क्लाइंबिंग कटवार्म या आर्मी वार्म के बारे में। तो आर्मी वार्म का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा वर्ल्ड वाइड है और ये भारत में, और ये स्पोरैडिक है भारत में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस किस तरह से प्राप्त किया, क्योंकि इसका अटैक अब धीरे धीरे ये होने लगा, क्योंकि ये भारत में पहले पेस्ट के रूप में नहीं थी, लेकिन जब से मैक्सिकन वेराइटीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ भारत में, तब से ये पेस्ट के रूप में वीट में आक्रमणकारी होने लगी है। तो अब इसका होस्टेंस क्या क्या है? तो होस्टेंस गेहूं के अलावा शुगर केन, मेज, ज्वार, बाजरा, राइस, सोरगम, हेल्पनीस जिसे बारू ग्रास या जॉनसन ग्रास भी कहा जाता है, और जितने सारी ग्रेमिनस क्रॉप्स हैं सभी में होता है। तो आइए जानते हैं इसका बायोनॉमिक्स क्या है और इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है। तो ये जो एडल्ट होते हैं ये पेल ब्राउन कलर के होते हैं और 1 से 9 दिन तक जीवित रहते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पेल ब्राउन कलर की एडल्ट है। उसी तरह जो ये एग ले करती वो राउंड लाइट ग्रीन कलर की होती है, जो बाद में पेल, जो येलो, पेल येलो कलर की टर्न हो जाती है, और वो सिंगली ले करती हैं, रोज में ले करती हैं या तो फिर क्लस्टर में ले करती, कहाँ करती हैं तो ड्राई या फ्रेश प्लांट पे ले करती हैं या फिर सॉयल में ले करती है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये क्लस्टर में एग लेकी हुई है प्लांट पे, प्लांट पार्ट पे। अब एक पीरियड कितने दिन का होता है? लगभग 4 से 11 दिन का होता है, और ये समर में और 19 दिन का होता है विंटर में। और जो फ्रेशली इमर्ज लार्वा होता है वो बहुत ही एक्टिव होता है और डल वाइट कलर का होता है, जो बाद में ग्रीन कलर में टर्न हो जाता है। लार्वल स्टेज स्प्रिंग सीजन में 13 से 14 दिन का होता है और विंटर में बढ़ करके 88 से 100 दिन का होता है। और प्यूपेशन कहाँ होता है? तो प्यूपेशन होता है सॉयल में। कितने डेप्थ पर होता है? तो 0.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर डेप्थ में प्यूपेशन होता है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में एडल्ट ने एग ले किया क्लस्टर फॉर्म में, फिर एग से लार्वा, फिर लार्वा से प्यूपा, और प्यूपल ड्यूरेशन 8 से 11 दिन का लगभग होता है, और फिर प्यूपा से एडल्ट। तो इस तरह से पूरा लाइफ साइकिल ये कंप्लीट करती है। तो अब हम देखेंगे कि इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है। तो जो भी फ्रेशली इमर्ज लार्वा होता है या कैटरपिलर होता है वो इस थ्रेड स्पिन करती है, और उस थ्रेड के हेल्प से वो सस्पेंडेड रहती एयर में। तो एयर में सस्पेंडेड रहती है, और जब हवा बहती है, एयर करंट बहती है, तो वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो जाती है, पहुंच जाती है। इस तरह वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पहुंच जाती है। जो अर्ली स्टेज में ये कहाँ फीड करती है? तो अर्ली स्टेज में ये टेंडर लीव्स फीड करती है, जो कि सेंट्रल ओवर में होता है वहाँ। उसके बाद वो ओल्डर लीव्स फीड करती है और धीरे धीरे स्केलेटाइज कर देती है पूरे लीव्स को। और जो ग्रोन अप कैटरपिलर होता है वो क्या करता है कि एक्सक्रिएटा फेसियल प्लेट्स थ्रो आउट करता है, मतलब एक्सक्रिएटा का प्लेट्स मतलब छोटा छोटा छोटे छोटे कण वो थ्रो आउट करता है, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट देखा गया है। अब सीवियर अटैक में क्या होता है? पूरा लीव क्या हो जाता है? वो पूरी तरह से फेड हो जाता है, इंक्लूडिंग मिड रिप, और ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कि केटल ग्रेज किए हुए, मतलब केटल ने केटल वहाँ उस खेत पे चर के ख़त्म कर दी है, इस टाइप दिखता है। तो अब लार्वा विगरसली फीड करता है और माइग्रेट करता है एक फील्ड से दूसरे फील्ड। अब पेस्ट क्या कर सकता है? वो जो गेहूं की बालियाँ होती हैं उनको भी फीड कर सकता है, ईट कर सकता है, खा सकता है। यहाँ तक कि जो बालियों में ओंस होती हैं उनको भी फीड कर लेता है, और जो भी इमेच्योर ग्रेन से उनको भी फीड कर लेता है। तो इस तरह से ये गेहूं में लॉस करती हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे।
तो समर प्लाउइंग करेंगे, क्योंकि प्यूपा प्यूपा प्यूपेशन कहाँ हो रहा है, तो प्यूपेशन हो रहा है सॉइल में, तो समर प्लाउइंग करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग अल्टरनेट हॉर्स हटाएंगे, फिर ट्रेप्स क्रॉप यूज़ कर सकते हैं, फिर पारासिटोइड बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग पारासिटोइड यूज़ करेंगे, जैसे टेकिनिट्स हुआ या ब्रेकोनाइट वेस्प्स हुआ, ये सब पारासिटोइड हैं जो कि पारासिटोइज करती हैं। उसी तरह हम लोग चूँकि ये नॉक्टोडी फैमिली से हैं, तो ये नॉकटर्नल है, मतलब रात के दौरान बहुत ही एक्टिव होती हैं, तो हम लोग लाइट ट्रैप्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग केन कल्टिवेशन करेंगे, और फिर हम लोग ज़्यादा फिर इन्फेस्टेशन अगर दिखाई दे तो हम लोग केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम लोग डाइमेथोएट का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इमिडा क्लोप्रिट का भी, या फिर कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो अब हमने जाना कि क्लाइंबिंग कटवर्म के बारे में या आर्मी वर्म के बारे में किस तरह डैमेज करते हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो अब हम जानेंगे टर्माइट के बारे में। तो टर्माइट मतलब दीमक किस तरह गेहूं में आक्रमण करती है, तो ये टर्माइट क्या का साइंटिफिक नेम हम लोगों ने जाना, दो तरह की टर्माइट लगती है, ओडोनोटोटर्मस ओबेसस और दूसरी माइक्रोटर्मस ओबेसी, जिसका ऑर्डर आइसोप्टेरा है और फैमिली टर्मिटेडी है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन है और स्टेटस, मतलब ये पूरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। अब इसका होस्टेंस क्या है, तो ये पॉलीफेगस पेस्ट है, मतलब ये सेलुलस कंटेंट पे फीड करते हैं। आप देख सकते हैं ये कभी कभी घर में लकड़ी में भी लग जाती है, या कभी कभी किताबों पर भी टर्माइट का अटैक हो जाता है, मतलब जहाँ जहाँ सेलुलस कंटेंट मिलेगा वहाँ वहाँ टर्माइट का अटैक होता है, मतलब सेलुलस पर फीड करती है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट, पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग टर्माइट का, तो 100 का वो डल किडनी सेप का होता है, और वो एग लेइंग का 30 से 90 दिन में एक हैच करता है। अब नीम का मोल्टिंग कितने टाइम होता है, तो 8 से 9 टाइम मोल्टिंग होता है नीम का, और फुल ग्रोन 6 से 12 महीना में हो जाता है, मतलब लगभग एक साल लगता है नीम को फुल ग्रो होने में। अब एडल्ट किस तरह का होता है, तो क्रीमी कलर्ड का होता है, टाइनी इंसेक्ट होता है जो कि चींटी की तरह दिखता है, और उसका डार्क हेड होता है। आप तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि क्रीमी कलर का है और टाइनी इंसेक्ट है, तो इसी कारण चूंकि ये एंट की तरह दिखता है, तो इसे टर्माइट को वाइट एंट भी कहा जाता है। ये बहुत ही जानने लायक है कि वाइट एंट किसे कहा जाता है, तो टर्माइट को वाइट एंट कहा जाता है। अब टर्माइट की कितने, टर्माइट में क्या होता है कि जो भी टर्माइट कॉलोनी बना के रहती हैं, और उसमें मेनली तीन टाइप के कास्ट होते हैं, वर्कर, सोल्जर और रिप्रोडक्टिव। और जो भी विंग्ड, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वर्कर, सोल्जर और रिप्रोडक्टिव को दर्शाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये वर्कर है, ये सोल्जर है और ये रिप्रोडक्टिव है, जिसे स्वार्मर कहा जाता है। तो जो स्वार्मर हैं, तो सर स्वार्मर दो टाइप की होती हैं, एक किंग होता है, क्वीन होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लगभग चार प्रकार के कास्ट पाए जाते हैं टर्माइट में, जिसमें वर्कर बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि वर्कर ही मतलब फीड इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, या आप कोई भी वर्क करते हैं टर्माइट कॉलोनी में मैक्सिमम वर्क, तो वर्कर ही डैमेजिंग होते हैं। तो आप डैमेजिंग सिम्टम क्या क्या है, तो टर्माइट का जब भी अटैक होता है तो कैरेक्टरिस्टिक सेमी सर्कुलर फीडिंग मार्क आपको दिखेगा मार्जिन ऑफ द लिप्स में, जो भी स्टैंडिंग क्रॉप पे, मतलब मार्जिन ऑफ द लिप्स में आपको थोड़ा बहुत सेमी सर्कुलर फीडिंग मार्क्स दिख सकता है। अब टर्माइट क्या करता है कि पूरा वीट क्रॉप को बहुत ही जल्दी डैमेज करता है आफ्टर सोइंग और नियर मैच्योरिटी, मतलब जैसे ही आप बुआई किए उसके बाद से ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इससे क्या हो सकता है कि पुअर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जर्मिनेशन बहुत ही पुअर हो सकता है। अब येलोइंग एंड ड्राइंग ऑफ आउटर लिप्स फर्स्ट, मतलब जो भी आउटर लिप्स होंगे उनका ड्राइंग पहले होगा, फिर इनर लिप्स का बाद में फिर ड्राइंग होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा पूरा एंटायर सूट ड्राई हो जाएगा और आप उसको खींच सकते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह यहाँ ड्राई हो गया है, ड्राइंग हुआ है वीट प्लांट का, वीट क्रॉप का। इसी तरह आप जैसे ही फिर ड्राइंग हो जाए तो आप उसे आसानी से खींच सकते हैं। अब धीरे धीरे जब प्लांट्स क्या होता है कि फिर लेटर स्टेज में डैमेज होता है, तो उसमें वाइट ईयर्स के सिम्टम क्रिएट होते हैं, जो बालियाँ हो जाती हैं वो सफ़ेद हो जाती हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह बालियाँ सफ़ेद हो गई हैं,
तो आप देख सकते हैं पिक्चर में बालियां सफेद हो गई, व्हाइट ईयर सिम्टम आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम जानेंगे कि क्या होता है कि फिर सूट्स क्या हो जाता है, वो खोखला हो जाता है और उसके इनसाइड उसके अंदर आप मिट्टी मिट्टी फिल हो जाती है, मतलब सॉयल से वो फिल हो जाती है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह सॉयल से फिल हो गई है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि सॉयल से फिल हो गई, फिल्ड हुई है। अब हम जानेंगे कि इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। तो बहुत ही टर्माइट का महत्वपूर्ण मैनेज है कि फ्लड इरिगेशन करना एट द टाइम ऑफ सोइंग या प्लांटिंग के दौरान, जिससे क्या होगा कि टर्माइट अटैक स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेस मॉइस्चर में या ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल जब हो जाता है सॉइल में तो ये जीवित नहीं रहती हैं। हम लोग क्या मैकेनिकल कंट्रोल में क्या करेंगे कि लोकेट करेंगे और डिस्ट्रॉयड करेंगे टर्माइट को लेने के। अब केमिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड से, या फिर हम लोग सॉयल ट्रीटमेंट कर सकते हैं लिंडेन 1.6D का 50 kg प्रति हेक्टेयर से। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्लडिंग करना, फ्लड इरिगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्माइट के केस में। इस तरह से हम लोगों ने जाना क्लाइंबिंग कटवार्म के बारे में तथा टर्माइट के बारे में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।